दिल्ली के नरेला में साफियाबाद रोड पर दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल पर आज फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी द्वारा पौधारोपण किया गया। इसमें दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इंस्पेक्टर राजेश दहिया, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से सैनिटरी इंस्पेक्टर जोगिंदर राणा व लाइसेंसिंग विभाग से संदीप कौशिक ने अपने हाथों से पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति जनता को संदेश दिया है। आज हर साल की भांति हमने जल बोर्ड में दिल्ली जल बोर्ड में वृक्षारोपण किया और ये कार्य फेडरेशन ऑफ नरेला की तरफ से हर साल की भांति किया जाता है। इस साल भी हमने और सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के ये कार्य किया है और इसमें हमने फलदार भी पेड़ लगाए हैं जिससे फल भी हमें मिलेंगे आगे चल करके और छाया भी हमें बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसे पेड़ों का हमने पौधारोपण किया गया है। फेडरेशन हर वर्ष हजारों पौधे लगाने का कार्य दिल्ली में करता है। संस्था का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना है क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। इस मौके पर फेडरेशन की ओर से उपाध्यक्ष धीरज खत्री, महासचिव वीरेंद्र लाकड़ा, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर शीशपाल, फेडरेशन ऑफ नरेला ने नरेला के जल बोर्ड का जो ट्यूबवेल है उसमें पौधे रोपण का कार्य शुरुआत की है जिस पर लगभग काफी सारे पौधे हमारी संस्था लगाए हैं और इस प्रकार का कार्य हम लगभग 10 साल से कर रहे हैं। हमारा टारगेट हर सीजन में हर साल लगभग कई हजार पौधों का होता है और इसी प्रकार आगे हमारा मिशन चलता रहेगा। धनंजय सिंह, राजेंद्र राणा, सुधीर पालीवाल, युवा टीम से शुभम दहिया व सागर दहिया ने अपनी सेवा देकर इस पौधारोपण अभियान को सफल बनाया। अपने क्षेत्र की छोटी छोटी खबरों को देखने के लिए डबल इन न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम अपने सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद करते हैं।